एक्चुअली अयोध्या मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे समाज के साथ हमारे सोसाइटी के साथ इनजस्टिस किया है उसके अगेंस्ट में हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। फिर से डेट की घोषणा हम जल्दी करेंगे। साथ ही साथ आज इस सभा के माध्यम से एक कमेटी का गठन हुआ है और इस कमेटी में लगभग 15 से 20 लोगों का नाम आया है जो इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज़ हैं हमारे समाज के, और ये चीज़ हम जल्दी घोषणा करेंगे कि कौन कौन है। भविष्य में और भी जो संगठन हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या और भी जो बुद्धिजीवी लोग हैं इस कमेटी में शामिल होंगे, और हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट में रिपिटिशन के लिए जा रहे हैं क्योंकि पूरा का पूरा जो बौद्ध समाज है सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को डिनाई करता है, उसको विरोध करता है, सख्त विरोध करता है क्योंकि हमारी बौद्ध विरासत के साथ बहुत बड़ा अपमान हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या कोर्ट के थ्रू जाएंगे या राजनीति के थ्रू जाएंगे या जो आपने संगठन बने हुए अलग अलग उनके थ्रू जाएंगे? नहीं, हमारा तो पहला स्टेप ये है कि देखिए हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पुजारी हैं, ठीक है ना। हम उनको बहुत दिल दिमाग से हर चीज से मानते हैं, इसलिए भारतीय संविधान की हम बहुत बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन भारतीय संविधान को जो चलाने वाले लोग हैं उनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, वो हमारे देश और संविधान का संवैधानिक तरीके से शोषण कर रहे हैं और वो चीज़ हम जो है उजागर करना चाह रहे हैं। इसलिए सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही है कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग रिव्यू पिटीशन में जाएंगे, साथ ही साथ हम आंदोलन की भी तैयारी कर रहे हैं, और दूसरी चीज क्या है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की भी योजना ये कमेटी के माध्यम से बनाई जाएगी। सभी का स्वागत है। अभी जो सामाजिक संगठन के लोग यहाँ पर दूर दूर पूरे भारत से हैं वो लोग यहाँ पर नहीं आए हुए हैं, उनका स्वागत है। हम उनसे लगातार संपर्क भी कर रहे हैं और उनका सपोर्ट भी था यहाँ पर आने से पहले कि आरपी जी आप जो मीटिंग प्रोग्राम करिए, आप जैसा डिसीजन लेंगे जो भी निर्णय लेंगे हम लोग साथ में खड़े हैं, उनका पूरा सपोर्ट मिल रहा है। रिव्यू पिटीशन देने के लिए एक समय सीमा तय होती है, उसी समय सीमा का दौरान करेंगे आप इससे आउट जाएंगे? नहीं, आउट कैसे जाएंगे, समय सीमा के अंदर ही करेंगे। इसलिए तो हम समय होता है, हाँ जी दिन हो चुके, 30 दिन का। हाँ तो जल्दी कर लेंगे, आज 2-4 दिन के अंदर ही हम ये चीज हैंडल कर लेंगे। क्या आपको लगता है कि आपकी पिटीशन जो है वो दायर होने के बाद आपके पक्ष में जाएगा? सर बहस तो हम करना चाहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट से, वकील जो बहस करते हैं वो रिटर्न वे में बात करते हैं। हमें सिंपल आइडियोलॉजी समझा दो कि बुद्ध की आइडियोलॉजी क्या है और जो है हिंदुज्म की आइडियोलॉजी क्या है। सारे जो वहाँ पे एविडेंस मिले हुए हैं वो बुद्धिज्म के प्रतीक हैं और आप कह रहे हो वहाँ पे राम मंदिर बनेगा, तो इसका कोई आपके पास पुख्ता सबूत है? सर 600 पन्ने की फाइल सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि एविडेंस और साक्ष्यों के आधार पर हम निर्णय करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से हम ये पूछना चाहते हैं एविडेंस साक्ष्य तुम्हारे कहाँ चले गए? आपने सीधे सीधे जस्टिस जब आर्डर आया इनका, इन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि राम मंदिर बनेगा, कमेटी या जो है ट्रस्ट का निर्माण करे भारत सरकार। आपने उसका कोई कंक्लूजन नहीं दिया और इनके ऑर्डर में लिखा हुआ चल रही है बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, क्या आपको ऐसा लगता है? सर देखिए आपका ये राम मंदिर हटा करके वो बुद्ध मंदिर बना देंगे? सर देखिए राम मंदिर हटा के बुद्ध मंदिर बना दें, हम इसकी लड़ाई लड़ ही नहीं रहे हैं। हम तो देश की विरासत है उसको बचाने के चक्कर में हैं, हम उसके लिए लड़ रहे हैं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। भाई हमें सुप्रीम कोर्ट जज न्याय क्यों नहीं दे रहा? अब ये काम सुप्रीम कोर्ट का है, बताओ राम मंदिर बनाएगा, बौद्ध मंदिर बनाएगा, अस्पताल बनाएगा, क्या बनाएगा, लेकिन हमें और इस देश को संतुष्ट तो करेगा हम इस आधार पर निर्णय दे रहे हैं। निर्णय आने के बाद आप ये कदम उठा रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं उठाए? क्योंकि तत्व तो पहले भी सामने। सर देखिए सुप्रीम कोर्ट पे हमारा अंधा विश्वास था कि भाई सरकार बिगड़ती बनती रहती है, वो लोग गलत एक्टिविटी करते रहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो भारत देश की एक बहुत बड़ी न्यायपालिका है वो कभी भी भ्रष्ट नहीं हो सकती है। लेकिन आज जो है ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है या जो 5 जजों की टीम थी वो लोग नहीं चला रहे हैं, इसको मोदी आरएसएस अमित शाह मिलकर के चला रहे हैं। मेरा सवाल है आपसे, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन पड़ती है उसमें 99% रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया जाता है, और आपकी जो रिव्यू पिटीशन है क्या सुप्रीम कोर्ट में किस तरह एक्सेप्ट किया जा सकता है? आपके पास क्या पुख्ता एविडेंस है वो मीडिया के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं? हाँ जी 100% कर सकते हैं। देखिए मैं बता दूं कि हमारी जो पिटीशन है लोकल पिटीशन नहीं है, कॉमन पिटीशन नहीं है। जिस देश ने पूरे विश्व को ज्ञान दिया, पूरे विश्व में उनकी चर्चा है, उनका इतिहास बोलता है, ठीक है ना, उसको आप इग्नोर कर रहे हो। आप इसको कॉमन में मत ले जाइए। अभी हम दावा कर रहे हैं कि जितने भी बौद्ध स्थल हैं, मंदिर हैं इस देश के अंदर,
जितने भी मंदिर हैं सबकी खुदवाई करवा लीजिए, सबकी जांच करवा लीजिए, सीबीआई जांच लगाइए ना आप। कहां पे है तुम्हारी सीबीआई भाई? इस मामले में सीबीआई कहां गई है? आप सब में अभी एविडेंस जो है बुद्ध का मिलेगा। अगर आपकी रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट नहीं की जाती तो आपका अगला कदम क्या होगा भैया? हम 90% हैं, बात समझ रहे हैं ना? अगली सरकार हम बना देंगे, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था को सही कर देंगे, जो यहाँ की बिगड़ी है वो सब अरेंज कर देंगे। 90% लोग हैं हम देश के अंदर, वोट हम देते हैं उनको, बलात्कारियों को, षड्यंत्रकारियों को वोट देते हैं, देश के साथ बैठ करके उसकी मां बहन कर रहे हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। ये अधिकार उनको किसने दिया है? आप 90% की बात कर रहे हैं, 90% वोटिंग आपके पास है देश की, और किसी भी गवर्नमेंट को आप बना सकते हैं। आपने अभी तक कोई गवर्नमेंट नहीं बनाई। दूसरा ये कि 20 लाख बौद्ध हैं आपके पास बस, इसके अलावा सारे हिंदू क्रिश्चियन और मुस्लिम और भी अन्य धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो आप 90% से आप सरकार कैसे बना? देखिये सर, बहुजन में जो भी भाई बंधु है सबको पता है कि हम बौद्धिस्ट विचारधारा से बिलोंग करते हैं, उसको फॉलो भी करते हैं। रही बात रिटर्न में, तो वो चीज़ अभी नहीं हो पाई है। अब ये कमेटी जो बनी हुई है, ये कमेटी कार्य करेगी आगे इस पर भी, और हम शॉर्टली उनको जो है उनका सर्टिफिकेट भी मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। देश की गवर्नमेंट बनाने की बात कर रहे हैं, पर हम एक इलाके का चीफ मिनिस्टर भी नहीं बना पा रहे, तो देश की गवर्नमेंट सर देखिए काम ढंग से नहीं हो पा रहा है। बात बना पाने की नहीं है सर, ठीक है? अगर व्यक्ति कहीं अनसक्सेस हो गया, असफल हो गया है, तो उसको लेकर के हम अपने आने वाली पीढ़ी को हम ये नहीं कह सकते कि भाई तुम्हारे बाप ने ये नहीं किया तो तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आज आप देखते हैं मोबाइल फोन वगैरह में बच्चे कितने एक्सपर्ट होते हैं। तो भविष्य में अगर अच्छा नेतृत्व मिले तो 100% पूरे मानवतावादी विचारधारा के लोग, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो या पंडित क्यों ना हो, वो भी हमारा सपोर्ट करेगा। क्योंकि इस मोदी सरकार से ब्राह्मण भी जो है, जो सिंपल ब्राह्मण, पंडित की बात कर रहा हूं मैं, जो नॉर्मल है, नॉर्मल इन द सेंस उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो भी परेशान है। एक बड़ा सवाल ये है सर, को जिन की बात कर रहे हो बहुजनों की, बहुजन ही अपने आप को हिंदू मान के बैठा हुआ है, तो कैसे आप सत्ता बहुजन हिंदू मान के नहीं बैठा है? ये जो पॉलिटिकल हमारे लीडर हैं, जो सोशल लीडर हैं, उनमें प्रॉब्लम है। उनको जिस दिन मंच पर बिठा देंगे बहुजन अपने आप खड़ा हो जाएगा। कहा जाता है भाषा को माता कहा जाता है, आपने अपने भाषा को नहीं बचा पाया, तो क्या आपने कौन सी भाषा? पाली। सर अब देखिए, ये जब हम नहीं थे तब का काम है, अब हम लोग जगे हैं, यूथ जो हमारे सामने आ रहा है, सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। हम चाहते हैं हमारा इतिहास पुनः उजागर हो। आप मीडिया के सामने जो आप एक डॉक्यूमेंट्स आप सुप्रीम कोर्ट में जो पेश करने जा रहे हैं, और वो फाइल है, वो आप एक बार दिखा सकते हैं? नहीं, वो अभी तो आज कमेटी का गठन हुआ था, देश में और आपके समाज में बहुत सारे छोटे छोटे संगठन है जो अलग अलग संगठनों में बटे हुए हैं, आपको लगता है वो सब एक छत के नीचे आ सकते हैं? 100% आएंगे सर। एक्चुअली क्या होता है, जैसे कोई ट्रेन जा रही हो बॉम्बे के लिए, आप जाने वाले हो और ट्रेन आपकी चली नहीं रही, तो सब उतर उतर के भाग ले रहे हैं। अगर जिस दिन आपकी ट्रेन चलने लगी उस दिन सब चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम विश्वास के साथ कह रहे हैं। लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म उतना मजबूत नहीं है, अब वो प्लेटफॉर्म मजबूत बनाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। चलिए 1% अगर आपकी बात सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुनी जाती, आपके दावे को खारिज कर दिया जाता है, तो आप नेक्स्ट स्टेप क्या? बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है इस देश के अंदर। 2 अप्रैल दोहराया जाएगा, भारत बंद होगा, और हर प्रकार से जो है इस देश की व्यवस्था को हम जो है अपने बल पर चेंज करेंगे। क्योंकि सरकार को ये बिल्कुल अधिकार नहीं है कि वो संविधान के खिलाफ जाकर के कार्य करे, और अगर करे तो उसके प्रति वो जवाबदेह हो। पीआर पॉलिटिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, इसको जूम करके ले लीजिए आप लोग। इसमें अयोध्या साकेत नगरी है, यहाँ पे ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हुए हैं, सर्कुलर सराइन है, ईंट है, कमल के फूल मिले हुए हैं, बुद्ध की प्रतिमाएं मिली हुई हैं, तमाम और सारी चीजें जो है कि जो बौद्ध स्तूप से बिलोंग करते हैं, सम्राट अशोक के स्तूप से बिलोंग करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको दरकिनार कर रहा है, अपने ऑर्डर में भी लिखा हुआ है इनके बारे में, फिर भी वो दरकिनार कर रहा है।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।